अमित खरे जी, आज गंवार सेमिनार हुई और गंवार में आपको क्या व्यू लगता है एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से, अगर गंवार किसी को खरीदना या बेचना तो क्या करना चाहिए ट्रेडर को? नमस्कार, मैं मूलतुल यूट्यूब चैनल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम आज गंगानगर में 2 अक्टूबर जो कि हर साल मनाते हैं ग्वार डे के रूप में, उसमें आए हुए हैं और इसमें लगभग पूरे एक साल का व्यू हम यहाँ पे ग्वार सीड का लेके चलते हैं। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर मैं देखूँ जो कि अभी करेंट सिनेरियो है मार्केट का, कैस्टर की वजह से पूरे मार्केट पे अभी प्रेशर है। तो करेंट प्राइस के हिसाब से ग्वार में लगभग 200 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। लगभग 3600 के आसपास अक्टूबर ग्वार का एक बॉटम मेरे को नज़र आ रहा है कि 3600 के आसपास इसमें एक बॉटम बनेगा। और पूरे साल की अगर मैं बात करूं तो उसमें लगभग वहां से 1000 पॉइंट का एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। हो सकता है 3600 से मिले, हो सकता है 3500 से मिले, क्योंकि करंट सिनेरियो जो है अभी थोड़ा सा चेंज है। आपने जो बात कही कि 1000 पॉइंट का एक जंप देखने को मिल सकता है, ये कितने टाइम के बाद आने की एक संभावना दिखती है मोटी मोटी? ये मैं लगभग 2 से 3 महीने का लेके चलूंगा, क्योंकि 1000 पॉइंट के आसपास का इसमें एक लेवल मिलेगा ऊपर का। बीच में एक स्टेप रहेगा 4200 रुपये का, पहला स्टेप 4200 है, 4200 के ऊपर निकलने पे एक बार 4600 के आसपास देखने को मिलेगा। और आज के सब संदर्भ की बात करें, जब बाजार की कंडीशंस खराब हैं तो एक स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करे ट्रेडर? मेरे को लग रहा है कि 3600 के नीचे ज़्यादा मार्केट नहीं रुकेगा। 3600 के नीचे अगर वर्स्ट कंडीशन बनती भी है तो 3500 या 3490 के आसपास से एक बार बाउंस मिलेगा। उसके नीचे अगर जाता है तो फिर वो एक अबनॉर्मल मार्केट उसको मैं बोलूँगा। तो 3500 से नीचे का एक हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 3600-3650 के आसपास हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइंग करके चलना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।